वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हमने मिशन से ज्यादा बड़ा काम प्रारंभ कर दिया। नहीं तो एक ऐसी स्थिति थी, इतने ज्यादा वहां पर कन्वर्जन हो चुका था, हॉस्पिटल के माध्यम से, अनाथालयों के माध्यम से बड़े स्तर पर मतांतरण हो रहा था। हमने उनके ज्यादा काम प्रारंभ किया और हमारा एक अभियान है भैया। सीधी बात यार, जब वो कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते क्या? वो जब सेवा के माध्यम से हमारा मतांतरण कर सकते हैं, जब वो अलग अलग तरीकों से हमारे लोगों का मतांतरण कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? क्या वो हमारे लोगों को प्रार्थना सभा में बुलाने के लिए वो हमको आग्रह कर सकते हैं, तो क्या हम मंदिरों में उनको बुलाने के लिए आग्रह नहीं कर सकते? आपसे पूछ रहा हूं, कर सकते नहीं कर सकते? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर आग्रह हम करेंगे, उसका परिणाम यह हुआ, हम जो घर घर हनुमान चालीसा करते हैं, ये भैया लोग क्या करते थे? भैया लोग, कोई आदमी बीमार है हम ठीक करेंगे, कैंसर है ठीक करेंगे। वाह बहुत बढ़िया, हमने भी वो काम चालू किया। विरोध तो हम करते ही हैं, लेकिन हमने काम चालू किया। हनुमान चालीसा में इतना पावर है, जिसके घर में समस्या हम लोग पहुंच जाते हैं, वो कोई रहे उससे मतलब नहीं है। हम ये बोलते हैं, भैया हमने सुना है कि आपके घर पे समस्या है, क्या आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ दें क्या? जबरदस्त रिजल्ट दोस्तों, जबरदस्त। आज बड़े पैमाने पे जो मतांतरित लोग थे वो वापस आने लग गए। कहते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलता है, इसी का परिणाम है। और आने वाले समय में मैं कुछ घोषणाएं करके जाता हूं, अगले साल इसी मंच पे 1 लाख, कम से कम 1 लाख शिक्षित धर्म सैनिक हम बनाने वाले हैं। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।